हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे बच्चों। हम चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां, और ये चैप्टर बच्चों आपका रिवीजन हो रहा है। इस चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे या फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो यहाँ पे आप करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये क्वेश्चन है, सवाल है, इसको नोट डाउन कीजिए। और यहाँ पे ये प्रूविंग वाला है, प्रूव करना है बच्चों, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल ए, क्यू पदों का योगफल बी तथा आर पदों का योगफल सी होगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो पी पदों का योगफल है, एस पी हो गया ए, एस क्यू हो गया बी एंड एस आर हो गया सी। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है? दिस इज गिवन, आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, ये इक्वेशन प्रूव करना है, ठीक है? सिंपल है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे अब साथ में, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले जो आपको समांतर श्रेणी दी गई है, उसका हम मान लेंगे एक तो प्रथम पद, पहला पद, और दूसरा सर्वांतर। क्या मानेंगे, चलिए देखते हैं। माना दी गई, माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, यहाँ पे कैपिटल ए ले लेता हूँ क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे आपको ये दिया है पी पदों का योगफल, इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ, तथा सार अंतर डी, ये मान लिया हमने, ठीक है बच्चों? एक चीज और, यहाँ पे सबका योगफल दिया हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला मैं पहले ही लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एस एन है ना, क्या होता है, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है योगफल, पता है आपको। तो चलिए अब फटाफट इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, पी पदों का योगफल, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, पी पदों योगफल, पी पदों का योगफल, यानी इसको हम एस पी भी बोल सकते हैं, कितना दिया है, ए दिया है। चलिए तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर पी पदों का योगफल क्या होता है, ये फॉर्मूला रखिए। अब एस एन की जगह यहाँ पे क्या है, पी है, तो पी रख देंगे बस एन की जगह, इंटू टू ए प्लस एन की जगह पी आ जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू ए। अब पी बाय टू को राइट साइड लेके जाइए, क्या आता है, चेक करते हैं, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू ए अपॉन पी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन वन, दिस इज योर इक्वेशन वन, समीकरण एक हो गया। उसके बाद सिमिलरली बाकी दोनों के साथ भी सेम चीज करेंगे, क्यू पदों का योगफल बी है तथा आर पदों का योगफल सी है, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन वहां से आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये कर लीजिए नोट डाउन। तो बच्चों ये कर लिया है सबने नोट डाउन, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए उसके बाद क्या है, आपको एक और चीज दी है, दिया है क्यू पदों योगफल, क्यू पदों का योगफल यानी एस क्यू कितना है, बी है। चलिए इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू
अपॉन टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी आ जाए। फर्दर क्यू बाय टू को राइट हैंड साइड ले जाइए तो ये टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू बी बाय क्यू। ये समीकरण दो हो गया, क्या हो गया, समीकरण दो हो गया। फिर ऐसे ही तीसरा आप समीकरण निकाल लेंगे, दिया है। तीसरी चीज क्या दी है, आर पदों का योगफल, आर पदों का योगफल कितना है, एस आर से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये सी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर बटे दो इंटू दो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। आर बाय टू को राइट हैंड साइड ले जाइए तो क्या आ जाएगा, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू सी बाय आर। ये हो गया इक्वेशन थ्री, तीनों इक्वेशन आ गई आपके पास। अब क्या करना है, अब देखिए समीकरण एक से समीकरण दो घटाना है, फिर समीकरण दो से समीकरण तीन घटाना है, और फिर समीकरण तीन से समीकरण एक घटाना है। तो तीन और इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास, पहले इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। अब समीकरण एक से समीकरण दो घटाएंगे, ठीक है, समीकरण एक से समीकरण दो घटाने पर क्या आता है, लेट्स सी। समीकरण एक क्या था हमारे पास, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू ए बाय पी, यही था। देखते हैं, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू ए प्लस पी। समीकरण दो है क्यू की टर्म्स में, ठीक है, तो क्यू और बी, तो ये आ जाएगा टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू बी बाय क्यू। ये समीकरण दो है। तो क्या बोला है, समीकरण एक से समीकरण दो घटाना है। कैसे घटाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो उसको घटा देंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड समीकरण एक का ये है और समीकरण दो का है टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। फिर राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है बच्चों टू ए बाय पी माइनस टू ए टू बी बाय क्यू। यह है, तो इस तरह से समीकरण एक से समीकरण दो हम घटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों इसको आके सॉल्व कर लेंगे। तो टू ए एज इट इज प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस टू ए माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, यहां से आप टू कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, ए बाय पी माइनस बी बाय क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए, प्लस टू ए और माइनस टू ए कट जाएगा आपस में, क्या बच गया, पी माइनस वन इंटू डी एंड माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो दोनों से डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन ले लेंगे हम। डी अगर कॉमन ले लिया आपने, क्या बच जाएगा, पी माइनस वन और ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू टू ए बाय पी माइनस बी बाय क्यू, ठीक है। उसके बाद माइनस वन से प्लस वन यहाँ पे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, पी बाय क्यू इंटू डी इज इक्वल टू टू इंटू ए बाय पी माइनस बी बाय क्यू। ये आ जाएगा समीकरण चार, क्या आ गया, समीकरण चार आ गया। अब क्या करना है, समीकरण चार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण दो तो से समीकरण तीन घटाने पर,
तो समीकरण दो कितना है हमारे पास? समीकरण दो है बच्चों, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसमें से समीकरण तीन घटाना है तो 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b बाय q माइनस 2c बाय r। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, घटा लेंगे तो ये समीकरण 5 आ जाएगा। इसी तरह से समीकरण 3 से 1 घटाएंगे, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो देखिए यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी माइनस 2a माइनस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, देखिए यही है 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा और इसको भी माइनस का कर देगा। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बच जाएगा? अगर मैंने राइट हैंड साइड में 2 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा b बाय q माइनस c बाय r, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, ये d कॉमन आ जाएगा तो q माइनस 1 माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू b बाय q माइनस c बाय r। अब ये आपस में कट जाएंगे, क्या बच जाएगा? q माइनस r इंटू d इज इक्वल टू 2 b बाय q माइनस c बाय r। ये हो गया समीकरण 5। अब क्या करना है? समीकरण 3 से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या आया हमारे पास? समीकरण 3 आया है 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। इससे हम घटा देंगे समीकरण 1 जो कि है 2a प्लस q नहीं p p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 c बाय r माइनस 2 a बाय, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी माइनस 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, प्लस नहीं होगा, ये साइन इसका चेंज हो जाना चाहिए बच्चों। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस वाले माइनस में बदल जाएंगे। दो यहां से कॉमन ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा? c बाय r माइनस 2a बाय p। अब कितना आ जाएगा? देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, d कॉमन लेते थे डायरेक्ट, मैं कर दूं एक स्टेप बीच से गायब कर दें। तो देखिए यहाँ पे r माइनस 1 है और यहाँ पे p माइनस 1 है, तो इसको d को कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो r माइनस p आ जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू 2 c बाय r माइनस, ये देखिए 2 जब बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे हम इस 2 को, ये सीधा a बाय p हो जाएगा, माइनस ए बाय बी इज इक्वल, ये आ जाएगा इक्वेशन 6। तो 4, 5 और 6 समीकरण हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो वापस से हम चलेंगे एक बार क्वेश्चन पे और देखेंगे प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूव करना है ए बाय पी इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, ए बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू इंटू आर माइनस पी एंड सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 4 देखिए, यहाँ पे आपको पी भी दिख रहा है क्यू भी दिख रहा है ना, पी और क्यू है, ए और बी है, क्या चीज मिसिंग है यहाँ से? सी एंड आर, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी अपॉन आर से, किससे कर देंगे? इस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सी अपॉन
आर से। सिमिलरली इक्वेशन 5 है, यहाँ पे मुझे देखिए ए मिसिंग दिख रहा है और यहाँ पे क्या मिसिंग दिख रहा है, पी। तो ए अपॉन पी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और इक्वेशन 6 में मुझे क्या मिसिंग दिख रहा है, बी, बी अपॉन क्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये करके देखते हैं। तो लिखिए समीकरण 4 को, ठीक है, समीकरण 4 को सी बाय आर, समीकरण 5 को, समीकरण 4 को सी बाय आर, समीकरण 5 को किससे किया था, ए बाय पी, तथा समीकरण 6 को क्या बच गया आप, बी बाय क्यू से गुणा करने पर क्या क्या समीकरण आते हैं वो लिख लेंगे आप। तो समीकरण 4 क्या था हमारे पास, यहां से समीकरण 4 पी माइनस क्यू इंटू डी इंटू सी बाय आर कर देंगे। ठीक है, पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल इंटू सी बाय आर, और ये हो जाएगा 2 ए माई ए अपॉन पी माइनस पी अपॉन क्यू इंटू सी बाय आर। तो पी माइनस क्यू इंटू डी सी बाय आर से इसको मल्टीप्लाई, 2 इंटू पी, 2 ए अपॉन पी माइनस बी अपॉन क्यू, ए अपॉन पी माइनस बी अपॉन क्यू और सी अपॉन आर से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है हमारे पास, ई अपॉन आर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी, पी अपॉन क्यू माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट के अंदर ले आइए, क्या आ जाएगा, ये ए अपॉन पी इंटू सी अपॉन आर है ना, माइनस बी सी अपॉन क्यू आर, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। ठीक है, तो इसी तरह से समीकरण 5 को ए अपॉन पी और समीकरण 6 को बी अपॉन क्यू से गुणा करके लिखिए यहाँ। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप कर देंगे। अगला समीकरण 5 को किससे करना है, ए अपॉन पी से, ए अपॉन पी इंटू समीकरण 5 क्या है हमारे पास, यहाँ पे पता लग जाए, क्यू माइनस आर इंटू डी, क्यू माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू क्या है, ये देखिए बी अपॉन क्यू एंड सी अपॉन आर, बी अपॉन क्यू इंटू ए अपॉन पी माइनस सी अपॉन आर ए अपॉन पी से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। ठीक है, और इनको हम नेम कर सकते हैं समीकरण 7, समीकरण 8 और समीकरण 6 को बी अपॉन क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है। 6 भी देख लेंगे, समीकरण 6 है आर माइनस पी इंटू डी, आर माइनस पी इंटू डी, टू डी इसको करना है बी अपॉन क्यू से इज इक्वल टू 2, और ये कितना आ जाएगा, सी अपॉन आर माइनस ए अपॉन पी, सी अपॉन आर माइनस ए अपॉन पी। ठीक है, ये हो गया समीकरण 9, यही था ना, ए अपॉन पी माइनस। हाँ, तो समीकरण 7, 8, 9 हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, समीकरण 7, 8, 9 को जोड़ देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो करिए फटाफट, समीकरण 7, 8 तथा 9 को जोड़ने क्या आता है, लेट्स सी। देखिए समीकरण 7 है सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू है ना, सी बाय आर इंटू पी
पी माइनस क्यू टू डी प्लस दूसरा हो गया ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस और क्या आ गया बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी, बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी टू डी। ठीक है, तो मैंने इनको लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड कर दिया है। फिर राइट हैंड साइड देखेंगे, तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को इसको इसको ऐड कर दिया एक साथ, फिर ये आ जाएगा ए सी बाय पी आर माइनस बी सी बाय क्यू आर, उसमें ऐड कर देंगे बी ए बाय क्यू पी माइनस सी ए बाय आर पी, सबको ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड, और टू को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, टू को कॉमन निकाल लेंगे, तो ए सी बाय पी आर माइनस बी सी बाय क्यू आर लिखे पहले, ए सी बाय पी आर माइनस प्लस बी ए बाय क्यू पी माइनस सी ए बाय आर पी, बी ए बाय क्यू पी माइनस सी ए बाय आर पी प्लस। अब नाइन्थ के देखिए, सी बी बाय आर क्यू माइनस ए बी बाय पी क्यू, सी बी बाय आर क्यू माइनस ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। और एक चीज हम कर सकते हैं, समीकरण एक है उससे डी कॉमन ले लेंगे, तो चलिए इसको देखिए, ए सी बाय पी आर है ना, और क्या हो गया सी ए बाय आर पी है, एक ही बात है, तो ये कट जाएंगे, बी सी बाय क्यू आर है और ये सी बी बाय आर क्यू, और ये इससे कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया, टू बच गया है ना, राइट हैंड साइड टू बच गया। और दूसरी बात, हमें प्रूव क्या करना है वो चीज हम देखेंगे, ए बाय पी सबसे पहले आएगा, फिर बी बाय क्यू और फिर सी बाय आर, इसको उस ऑर्डर में लगा देंगे जो प्रूव करना है। तो ए बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू, और डी मैंने कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड पे, टू इंटू जीरो आ गया। ठीक है, टू इंटू जीरो आ गया। अब देखिए डी को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या यही पूछा था हमसे प्रूव करने को, काफी बड़ा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, ए बाय पी इंटू क्यू माइनस आर, बी बाय क्यू इंटू आर माइनस पी एंड सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू, तो यही है ना। देखिए हमारा प्रूव हो चुका है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।